गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। गरिमा को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। टाइम हो रहा है 9:45। अब डस्टर इधर आ गई है और उसी जगह पे उनकी अर्टिगा वहाँ आ गई है। क्या बताएं कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं सोसाइटी में यार। अच्छा तो वो 11:30 मिले फिर। गरिमा को छोड़ के स्कूल से घर आ चुके हैं। 11:30 बजे की एक मीटिंग लाइनअप हो गई है, सो उसके हिसाब से अब सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया था, दोपहर को मुंद्रा निकलना है, सो टच एंड गो रहेगा। और अभी वीडियो एडिट करना भी बाकी है, उसको अपलोड भी करना है जो कल वाली वीडियो है। एंड आई कैन नॉट अवॉइड दिस मीटिंग, मुझे मिलना ही है बिकॉज हम ही इसके पीछे पड़े थे। वी वर लाइक चेजिंग दिस कस्टमर फॉर एन अपॉइंटमेंट, सब मिला है एंड बहुत शॉर्ट नोटिस में। इनफैक्ट अभी जस्ट मॉर्निंग में ही अपॉइंटमेंट मिला है, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो चलो देखें, इट इज़ 10:15 राइट नाउ, 11:30 वी नीड टू बी देयर। सो दिस इज द लुक फॉर द डे। लेकिन यही ड्रेस कोड पहन के हम मुंद्रा नहीं जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल दीज क्लोथ्स। एंड द ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड। चल पड़े हैं सेल्स कॉल के लिए, वी आर लेट अगेन। हाँ जी भाई लोग, 11:30, एक्चुअली 11:35, 11:30 हमको पहुंच जाना चाहिए था। वी आर स्टिल इन आवर वे। वी आर मीटिंग अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर कपिल। अच्छे हैं, जान पहचान है काफ़ी। एंड सरप्राइजिंगली नाउ ही इज़ इन अ फर्म जो कि कह सकते हैं इट इज़ लाइक इट इज़ अ फैमिली टू दैट कंपनी, इज लाइक अ फैमिली टू फॉर माई फादर। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद दैट कंपनी फॉर एजेस नाउ। सो लेट्स सी कुछ मटेरियलाइज कर पाते हैं कि नहीं। मीटिंग तो हो गई, हम निकलेंगे घर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये प्रोजेक्ट कार्गो जो है, जो बहुत हफ्तों पहले मुंद्रा से निकला हुआ था, वो फाइनली हमारे घर के बाहर की तरफ पहुंचा है। और इसके वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक है नेशनल हाईवे 8A का, जो हमारी सर्विस रोड की गलियां हैं उन पर डाइवर्ट हुआ है। और घर आ चुके हैं और यहीं से देखो हमारा वो इतना बड़ा सा जो प्रोजेक्ट कार को दिख रहा है, जूम करके दिखाता है। अरे हो जा, तो अभी खाना वाना तो बना नहीं होगा, 1 बज रहे हैं, 2:30 बजे के आसपास हमको निकलना होगा मुद्रा के लिए। मिसेस को बोलते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पिला दो, और कोई ऑप्शन नहीं है, कांट वेट टिल लंच। हाँ जी भाई लोग, 3:30, लंच डन, लिविंग फॉर मुंद्रा। फोन ऑलरेडी आ चुका है, लेट्स होप वी आर देयर इन टाइम। सो वी आर टेकिंग दिस बेबी, ऑब्वियसली नीड सेफ्टी। ऑन आवर वे टू मुंद्रा। स्टफिंग कंप्लीट हो चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 4 नाउ। हम लोगों को पहुंचने में अनदर आराम से एक घंटा और लग जाएगा। बाकी कंटेनर्स की लैशिंग और सिक्योरिंग के लिए जो बंदे आने चाहिए वो अभी तक पहुंचे नहीं है। सो देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी बाय द टाइम वी रीच शायद कंटेनर रेडी ना भी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो डीजल भरवा लेते हैं गाड़ी में क्योंकि कम है, फिर नहीं तो रिटर्न में आते वक्त भरवाना पड़ेगा। एंड रिटर्न में आते वक्त मैं सीधा घर ही निकलना प्रेफर करूँगा। और ये हमारा फेवरेट पंप आ गया है इन ट्रांजिट।
बस ये ना बोल दे कि इसके पास डीजल नहीं है। कार्गो जिसके लिए हम सर्वे करने आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी छोटे से वेसल का इंजन लग रहा है। मैनिफेस्ट तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं तो बस फिजिकली देखने आ गया हूँ। टाइम लग जाएगा बॉस यहाँ पे क्योंकि कंटेनर्स आर नॉट येट रेडी। लेट्स सी, दिस इज द अदर कंटेनर। जहाँ भी देखो बस प्रोजेक्ट कार्गो के दर्शन होते हैं, यही है भविष्य शिपिंग इंडस्ट्री का। मैंने इस आदमी को बोला कुछ खिला दे, खुद खा खा के देखो डिमका बार आ गया। हाँ तो भाई लोग, सीबर्ड की कैंटीन वालों ने तो एंटरटेन करने से मना कर दिया, अब बाहर जाके चाय कॉफ़ी करेंगे। इनके ही काम किसी लिए आते हैं और ये हमें ही धक्के खिलवाते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दिस एस्टैब्लिशमेंट, व्हाट टू से। भाई लोग थोड़ी पेट पूजा कर ली है, चाय पी ली, समोसा खा लिया, अब वापस जा रहे हैं जहाँ पे अपने कंटेनर्स पड़े हैं। आई डोंट थिंक सो, 7:07 मेरे को नहीं लगता 8 बजे से पहले हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। सो द कंटेनर्स आर रेडी। और अब जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 8:30। आई डोंट थिंक सो बिफोर 10 आई विल बी होम। डिनर विनर भी लेट हो जाएगा और अब थोड़ा पैरों ने जवाब देना शुरू किया है। शिपिंग लाइफ इज़ नॉट एट ऑल ईजी। थैंकफुली गर्मियाँ आ गई हैं, विंटर्स नहीं है, अदरवाइज ये पतला सा शर्ट पहना हुआ है, इट वुड हैव बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक। रताड़िया रुके हैं, चाय पियेंगे फिर निकलेंगे। इस बेचारे को अलग दुख है, लगता है इसकी भी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ गई है, क्या पता बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। ये देखो देखो देखो, ओहो हो। टाइम हो रहा है 10:30 एंड वी आर होम। अब जाके खाएंगे कुछ गरम गरम खाना, उससे पहले थोड़ा फ्रेश अप हो जाए, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। Hey guys, it's 11:45, डिनर हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया होगा। गोइंग टू स्लीप नाउ। उसका जो भी हमने काम किया है उससे रिलेटेड जो वीडियो रहेगी वो हमारे ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। उसमें वो चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड एनी वेज, गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एंजॉय द कंटेंट। आई विल सी यू टुमारो, बाय।